श्री राम जी से वानर रूप हनुमान जी का मिलना। एक दिन एक सलुकावा निप के द्वार की नचावा, देखी राम ठानी मचला, कहे कि मोही कपिल देहु मंगाई, निप मंगाई दीन बहु लागे, तद बिन ले तरुत पुनि आगे। एक दिन एक बंदर वाले ने आकर राजा के द्वार पर बंदर नचाया। रामचंद्र जी ने देखकर हट किया कि मैं भी बंदर लूंगा, मंगवा दीजिए। राजा दूसरी वस्तुएं मंगवाकर देने लगे, परंतु रामजीत नहीं माने और रुदन करने लगे। तब वशिष्ठ जी बोले मुस्काई, सुनहु निपति यह अब मन लाई, निप सुग्रीव निकट कपिराई, किष्किंधा में रहत सदाई। तब वशिष्ठ जी हंसकर बोले कि राजन अब यह मन लगाकर सुनो, राजा सुग्रीव के निकट एक कपि सदा किष्किंधा में रहता है। तासु निकट तुम दूत पठावहु, आतर से तुम तिन्ह बुलावहु, सुनत भूप भट भूरी पठा, सकल सुकंठ पास चली आए। उनके निकट आप दूत भेजकर आदर से आप उसको यहाँ बुलवा लीजिए। सुनकर राजा ने बहुत युद्ध योद्धा भेजे और वे सब सुग्रीव के पास आए। जो निप कहो सुवर्ण कीना, सुनि सुमकंठ तुरंत कपि दीना, ले आई मंदिर हर्षाई, देखी राम उर लीन लगाई। जो कुछ राजा ने कहा सुवर्ण किया। सुग्रीव ने सुनते ही महावीर को भेज दिया। वे महावीर जी को प्रसन्न मन और मंदिर को लाए। राम ने देखकर हृदय में से लगा लिया। जहाँ जहाँ खेले राम सुरंगा, तहाँ तहाँ कपि राखे निज संगा, एक दिन राम पतंग उड़ाई, देवलोक सो पहुँचे जाई। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी खेले, तहाँ तहाँ कपि हनुमान जी को अपने संग रखा। हनुमान जी ने छोटा सा रूप धर लिया था। एक दिन श्री रामचंद्र जी ने पतंग उड़ाई, सो इंद्रलोक तक जा पहुँचे। तहाँ हरि सुत जयंत की नारी, अति विचित्र सो जंग निहारी। वहाँ इंद्र के पुत्र जयंत की स्त्री ने वह अद्भुत पतंग देखी। मन में कीन्हा विचार, ईमी जासु गुड़ी अस आही, सौ पुरुष कहस होय धो हसी, गाही लिहने सीताही। मन में विचार किया कि जिसका पतंग ऐसा है वह पुरुष कैसा होगा, यह विचार कर हंसकर पतंग पकड़ ली। तब प्रभु हनुमान ते भाखी, देखो किन पतंग कही राखी, तुरत सुत जाए निहारी, देखो झाड़ी पुन गिरा उचारी। तब श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से कहा कि देखो पतंग किसने पकड़ी है। महावीर ने तुरंत जाकर देखा और फिर उस जयंत की स्त्री से कहा पतंग छोड़ दो। बोली जासु चंग यही नीकी, दर्शन करहु आस यही जीकी, ताहित में यको गयु आए अनिल सुत प्रभु न कयु। जयंत की स्त्री ने कहा जिसकी यह सुंदर जंग है उनके दर्शन करूंगी, यह मन में इच्छा है, इसी कारण से मैंने इसे पकड़ा है। पवन सुत पवन पुत्र महावीर जी ने आकर प्रभु से उनकी इच्छा कही। सुनि हरि कहो कहो तुम जाई, चित्रकूट महादेवी दिखाई, हनुमान चलिता सोभाखा, दिहे सिछाड़ी करि मन अभिलाषा। राम जी बोले तुम मुझसे जाकर कहना कि चित्रकूट में हमारे दर्शन होंगे। हनुमान जी ने उनके पास जाकर कहा और उस नारी ने मन में दर्शन की इच्छा धारण कर पतंग को छोड़ दिया। तब रघुनाथ खेची सोलीना, निसगृह आई बियारू कीनम। तब श्री रामचंद्र जी ने यह पतंग खींच ली और रात्रि में घर आकर भोजन किया। तो इस तरह वानरूपी हनुमान जी का श्री राम जी से मिलना हुआ। यह वीडियो आपको कैसी लगी है? रामचरितमानस से संबंधित वीडियोस मैं आपके समक्ष लाती रहूंगी।
यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल आज ने को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगली कड़ी में। धन्यवाद। जय श्री राम।